कभी कभी हम कुछ लोगों को ज्यादा मुकाम देकर बिगाड़ देते हैं। अगर वो मुकाम कमज़र्फ निकले तो वो बदले में हमारी आंखें आंसुओं और दिल दर्द से भर देते हैं। सब्र की कई किस्में होती हैं और कोई भी किस्म आसान नहीं होती। जिनके पास देने के लिए मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होता, उनको जीने के लिए दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलता। आप खामोश रहें, कुदरत जवाब देती है। आप माफ कर दें, कुदरत इज्जत देती है। आप झुक जाएं, कुदरत आपको बुलंद कर देती है। आप छुप जाएं, अपनी तशखीर करवाने से बचते फिरें, कुदरत फिर भी लोगों के दिलों में आपकी इज्जत और मोहब्बत डाल देती है। यही है राज, उलट होता है यहाँ, सब आप बेनियाज हो जाएं। दुआ एक ऐसी कुव्वत है जो तकदीर को बदल देती है, मुसीबत मिटा देती है, मुश्किल को आसान कर देती है। तकदीर अल्लाह के इख्तियार के पर्दे में है, इसलिए अल्लाह जो चाहता है मिटा देता है और जो चाहता है कायम कर देता है। अल्लाह के साथ जुड़े रहें, उसे पुकारते रहें। जाने क्यों हम अपने मतलब की बात सुनने के आदि हो रहे हैं, हालांकि होना तो ये चाहिए कि हक बात कहें, हक बात सुनें, हक बात पे अमल करें। दौलत किस चीज का नाम है? औलाद का राजी रहना, माँ बाप का राजी रहना, दोस्तों का दोस्त बने रहना और सेहत का कायम रहना। इंसान की सबसे खूबसूरत दुनिया ख्यालों की दुनिया होती है, जहाँ वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकता है, चाहे वो चंद सेकंड्स की ही क्यों ना हो। जब दिल में जिद, तबीयत में मैल और लफ्जों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं, बस सिर्फ ताल्लुकात और रिश्ते हार जाते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।